आज हम जा रहे हैं ऐसे ही किसी शोधा के घर पे। मैं भी कैप्टन शहीद गुलफाम के ब्रदर से मिला हूँ, क्या महसूस होता है? उन्होंने जैसे अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की, तो हमारी भी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक हमें मौका दे तो हम भी उनकी तरह अपनी जान कुर्बान करें अपने वतन के लिए। आपको उन पे फख्र महसूस होता है? बिल्कुल, मुझे उन पे बहुत फख्र महसूस होता है, क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इसलिए बस हम भी यही चाहते हैं कि जैसे हमारे भाई ने मुल्क के लिए जान दी, हम भी मुल्क के लिए अपने भाई की तरह काम आए। कैप्टन गुलफाम शहीद हुए तो आपको कितना दर्द और दुख हुआ कि मेरा बेटा शहीद हुआ, या फख्र हुआ कि मेरा बेटा फोर्सेस में शहीद हुआ? मुझे पहले तो दुख इस बात का हुआ कि मेरे से जुदा हो गया, फख्र इस बात का हुआ कि वो हमेशा के लिए जिंदा हो गया। हमें इस्लामाबाद बुलाया गया जब मेरे बच्चे को तमगा बसालत मिल रहा था, और जिसने मुझे तमगा बसालत दिया तो पहले तो उसने सलाम किया मेरे बेटे के ऊपर कि इसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, और हमें वालदेन के ऊपर भी उसने बड़ा सलाम किया। उस टाइम पे आपको क्या महसूस हुआ माँ? उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई, उसने मैंने कहा कि हमने खोया नहीं, हमने पाया है, और अगर सारे मेरे बेटे इसी तरह से फौज में जाते हैं और इतना बड़ा एजाज मिलता है तो ये मेरे लिए फख्र की बात है। माँ माँ होती है मगर वो माँ कहती है कि जिगर का टुकड़ा हो लाल हो, अगर फोर्सेस में फौज में शहीद हुआ है तो हमको फख्र है अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए मेरे बेटे ने जान दी। ये एक माँ नहीं, पाकिस्तान की हर माँ कहती है कि हमारे बेटों पे हमको नाज है, फख्र है। मिलके यही बोलेंगे पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे फोर्सेस के लिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you.